हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज 25 दिसंबर है, तो उसके लिए मेरी मेरी क्रिसमस सभी को हमारी तरफ से। और अभी हम बिस्तर में ही हैं, उठे नहीं हैं, चाय वगैरह पी ली है, बेटी ने नाश्ता बनाया था वो भी हमने बिस्तर पे ही कर दिया है। और ठंड का मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे, तो ठंड में उठा नहीं जा रहा है। बच्चों की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं और क्रिसमस के लिए आज हमारे घर में केक आने शुरू हो चुके हैं। अभी ये केक आने से गिफ्ट शुरू हो चुके हैं, तो अभी हम केक भी खाएंगे यहाँ पे। और दिसंबर 25 को क्या क्या करते हैं नीचे में प्रोग्राम देखते हैं, और नहीं करेंगे फिर हम जो घर में करेंगे थोड़ा बहुत, दिन भर में क्या क्या होता है वो आपको दिखाएंगे आज। और बहुत बहुत हमारी तरफ से मैरी मैरी क्रिसमस। और केक कट हो चुका है अभी, तो केक खा के टेस्ट करते हैं कि कैसा हो रहा है। गिराओ मत बिस्तर में, ये केक है। Wow. ये देखो कैसा हो रहा है, अभी खा के देखते हैं कैसा हो रहा है। टेस्ट कर, टेस्ट कर कैसा हो रहा है। खुशी बहुत टेस्टी है। खुशी आकर टेस्ट कर, तो केक कैसा हो रहा है। खुशी चक टेस्ट कर। और अभी खाना बनाने का टाइम हो गया है, तो अभी मैं बनाऊंगी ये भट्ट की दाल। ये इसको पहले मिक्सी में डालना है, मिक्सी में डाल के पीसूंगी। और ये मैंने इसी में लहसुन डाल दिया है और इसी में मिर्च डाल दी, और इसको मैं सारा एक करके मैं मिक्सी में पीस लूंगी ये सारा। ये अच्छे से हुआ नहीं है, थोड़ा मैं इसको घुमा लेती हूँ, फिर ये अच्छे से वो मिक्स हो जाएगा। थोड़ा गया है, पीस गया है ये, और इसको ये तेल भी गर्म होने लगा है, तो अभी मैं इसमें डालती हूँ एक मिनट फ्राई। जब ये फ्राई हो जाए, ये भट्टे हैं हमारे उत्तराखंड के भट्टे, और ये हो जाएगा अभी मैं फ्राई। ऐसे घुमाते रहना है इसको जब तक ये अच्छे से लाल ना हो जाए, तब तक घुमाऊंगी इसको। और इसमें डाल देती हूँ गर्म पानी। गरम पानी डालने से ना ये अच्छे से घुल जाता है, जल्दी से उबलने में आसानी हो जाती है इसको। ये उबलने लग गई है मेरी दाल, और ये मैंने रख दिए हैं चावल, इसमें भी सीटी आ गई है, मेरी चावल भी बन गए हैं। और ये दो दिन हो गए दही जमाई है, ठंड से दही जम नहीं रही है, इसलिए मैंने गैस के बिल्कुल पास रख दिया है, तो यहाँ पे थोड़ी जम जाएगी अच्छे से। और ये काट दिया मैंने सलाद, ये मूली और ये प्याज, आकाश को प्याज पसंद है इसलिए उसके लिए प्याज, और हमारे लिए मूली। इस पे यार ये धनिया, हरा धनिया, हरी मिर्च का नमक डालेंगे, जब खाएंगे तभी डालूंगी, अभी ये लोग बाहर गए हैं तो आए नहीं है पापा और पिंकी, तब तक मेरा खाना रेडी है। और देखते हैं तब तक बाहर का मौसम क्या हाल है, अभी भी धूप आई नहीं आई है, मैं खाना बना रही थी तो बाहर देखा नहीं है काफी टाइम से, अगर धूप आई है कि नहीं आई है, कपड़े भी डाल रखे हैं बाहर में। ये थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है, थोड़ा साफ हो गया है थोड़ा थोड़ा मौसम। ये अभी भी एकदम साफ नहीं हुआ है, धुंध धुंध सी हो रखी है, और कपड़े मैंने डाल दिए हैं, थोड़ा धूप रसनी आ गई है तो सूख जाएंगे। कितनी सारी भीड़ आ गई है आकाश देख, ठंडियों में कभी भेड़ कभी गाय यहाँ पे ना रहने के लिए आते रहे। मेरा फूल खिला हुआ है नया, ये देखो अच्छा लग रहा है ना आकाश। पहले व्हाइट वालों का कलर अब दूसरा कलर हो गया, जो व्हाइट वाले थे ना उनका कलर रेड और वो हो गया है, मिक्स हो गया है, अब पिंक पिंक सा पर्पल पर्पल सा होने लगा है, और इसका तो अभी ऑरेंज है, जाते जाते देखते हैं इसका कौन सा कलर होता है, अभी तो ऑरेंज कलर ही है इसका। और अभी मैं आ गई हूँ छत में, और छत में अच्छे से धूप खिल गई है लोगों के, और ये नीचे देखो सारे लोगों के कपड़े सूख रहे हैं, और क्रिसमस के लिए स्टार भी लग चुका है ये, और रहा था ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये, पूरी छतों में एक उधर है सामने में वो, एक यहाँ पे लगा हुआ है, और लाइटिंग जब जलती है ना रात को तो काफ़ी अच्छा दिखता है। ये देखो इतनी अच्छी धूप आ रखी ना, मस्त बहुत बढ़िया लग रहा है, क्या हट भी नहीं रहा है, बिल्कुल सामने खड़ा हो रखा है, बिल्कुल नहीं हट रहा मुझे देख के, क्या हो रखा है, कितने देर से बैठा हो, डर भी नहीं रहा बिल्कुल, क्या हो गया तुझे, हिल ही नहीं रहा ये तो,
क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम है लग रहा है इसको ना। और अभी हम जा रहे हैं पार्क में, ठंडा हो गया है बहुत ज़्यादा। हमारी सोसाइटी में अभी तक तो कुछ प्रोग्राम हुआ नहीं है, शायद नहीं होगा आज भी। तो अभी हम वहाँ घूम के आते हैं पार्क में, तो लाइटें वगैरह तो लगा रखी हैं, सोसाइटी चमक रही है तो। और पार्क में तो कोई भी नहीं है, सारे चले गए हैं धूप में, जल्दी आते हैं। और हम थोड़ा लेट आए हैं तो शाम हो गई है, अंधेरा होने लगा है थोड़ा सा, तो कोई भी नहीं है अभी यहाँ पे। ये भी खाली हो गई है सब, अभी अंधेरा होने लगा है, यहाँ भी कोई नहीं हो रहा है, झूल रही। और अभी जाते हैं घर में। ये गेट में लाइटें वगैरह सज चुकी हैं और ये स्टार लग चुका है ये गेट में, और पूरी लाइटिंग वगैरह रात को जल चुकी है क्रिसमस के लिए। बाकी कुछ प्रोग्राम वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, और घरों पे भी जल चुकी है ये लाइट वगैरह, ये जल रही है किसी किसी की। तो अभी आकाश कर रहे हैं पढ़ाई, हमने मोमो ऑर्डर किए हुए हैं तो अभी आएंगे मोमो, तो हम क्रिसमस की पार्टी करेंगे तब मोमो से ही कर लेते हैं आज, केक सुबह खा चुके हैं। तो अभी आकाश ने क्रिसमस ट्री सजाया हुआ है, मैं आपको क्रिसमस ट्री दिखाती हूँ। ये आकाश ने क्रिसमस ट्री सजा दिया है, इसमें छोटे छोटे बैलून लगा के और ऐसे करके सजा के क्रिसमस ट्री बनाया है आकाश ने। काफी देर से मोमो का इंतजार कर रहे थे, अभी मोमो वाले भैया भी आए। अच्छा, भीड़ लगा हुआ था इसीलिए, और एक दिन ही आया है पर ही, और फिर ऐसे निकल गया वो। अच्छा, और हम भी बहुत देर से वेट कर रहे थे ना, नीचे में ही खड़े थे। चलो ठीक है, पैसे तो दे दिए होंगे, अब मुझे पता नहीं, अब देखो अमन बात करना। हाँ हाँ ठीक है, अभी मोमो आ चुके हैं हमारे, अब करते हैं पार्टी का। कुंडी लगा के गई थी, मैं बाहर से जाऊँ कुंडी लगाऊंगी। और ये है मोमोज गरम गरम, और भी है इसमें, और ठंडे हो जाते हैं ना इसमें, थोड़े थोड़े करके निकाल के खाएंगे। और ये है चटनी लाल वाली, मिक्स करो उसमें, बाद में कर लेंगे। म्योनीज, और ये है लाल वाली चटनी। तो अब गरम गरम खा लेते हैं, तो आप लोग हमारे खाने तक लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी कर देना। वीडियो कैसी लगी? देखो मोमो, वाओ। एक मिनट, सब लोग तो वेगस पहुंच गए।